नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज। तपस्वियों साधुओं की धरती भादरा और इस भादरा पर इस बार एक शानदार शुरुआत होने जा रही है, जो कि इस भादरा शहर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 44 साल बाद भादरा के अंदर एक प्रचंड हवन होने जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ महाराज श्री जी मौजूद है, जो कि इस धर्मसिंह महाविद्यालय के अंदर आज मैं मौजूद हूँ और महाराज श्री से इस विषय में बात करेंगे। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ेंगे, आप शेयर कीजिएगा। तमाम जो हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, जो कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ महाराज श्री जी है। महाराज जी, सबसे पहले आपको प्रणाम सर। जय जय हो, भगवान आप पर कृपा बरसाए। गुरु जी, 44 साल बाद भादरा को ही नहीं पूरे राजस्थान को इतना शानदार, इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर हवन होगा। उस हवन के कार्यक्रम के बारे में, इस प्रचंड जो आपका जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। भारतीय संस्कृति का केंद्र अनादि काल से यज्ञ की संस्कृति रहा है जी। उस यज्ञ की संस्कृति को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने पूरे देश के अंदर बढ़ा करके जनता जनार्दन का कल्याण किया है। यज्ञ की संस्कृति अनुपम हुआ करती है। देव मनुष्य को देवता बनाने वाली संस्कृति यज्ञ की ही संस्कृति है। जिस संस्कृति के बल पर देवता के अंदर शक्ति और हृष्टि पुष्टि शक्तिशाली देवता बना करते हैं। अर्थात जब देवता लोग जिस समष्टि का प्रयोग करके, जिस विधि का पालन करके उनको भोजन से तृप्ति मिलती हो, उनसे जल से संतुष्टि होती हो, प्रत्येक व्यक्ति को देवत्व कार्य को संपादित करने के लिए और देवता लोग जिससे खुश होते हैं, पितरों की पुष्टि जिस माध्यम से हुआ करती है, उसको यज्ञ की संस्कृति कहा जाता है। दूसरी बात, 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन आज से नहीं, अनादि काल से यज्ञ की संस्कृति रहा है, जिसके बल पर नव जलचर थलचर और नवचर प्रत्येक प्राणी का कल्याण होता हुआ इस नजर के अंदर आया है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, कोरोना के समय पर भी यज्ञ संस्कृति के बल पर जहां पर प्रतिक्षण यज्ञ हुआ करते थे, वहां पर कोरोना वायरस ने अपना प्रभाव नहीं दिखलाया। तो यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का प्राणभूत केंद्र है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस भादरा की पावन धरा पर परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य यज्ञ सम्राट वीरवृति श्री प्रवल जी महाराज ने 1978 अर्थात 44 वर्ष पूर्व ऐसा अद्भुत अलौकिक कार्यक्रम संपादित करके भादरा नगर के नूर को बदलने का कार्य किया था, जिसका परिणाम यह है उन्हीं महापुरुष के द्वारा लिया गया जो पावन संकल्प था, उस संकल्प को लेकर के पूज्य गुरुदेव वीरवृति श्री प्रवल जी महाराज ने इस विशाल प्रांगण में पंच देव महायज्ञ और पंचायतन प्रतिष्ठा महोत्सव को हम आगामी 8 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक मनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा और 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक 100 कुंडीय विशाल पंचदेव महायज्ञ की उपासना करेंगे, जिसके अंतर्गत देश देशांतर के बहुत सारे साधु संत महापुरुष विद्वज्जन आकर के हम समष्टि के कल्याण के लिए पवित्र मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान करेंगे, जिसमें विशेष महायज्ञ और श्रीमद् भागवत की विलक्षण कथा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ में 18 तारीख को पुनः हम भगवान सदानाथ विश्वनाथ सिद्धेश्वर भगवान की उपासना 1.25 लाख पार्थिवेश्वर भगवान के माध्यम से करेंगे। 19 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन यहां पर संपादित होगा। गुरुजी, हर वर्ष की बात करें तो एक तरीके से शिवरात्रि में वार्षिक महोत्सव हमारी संस्था का बनाया जाता है,
तो क्या वो वार्षिक महोत्सव इस बार इस महायज्ञ में परिवर्तित कर दिया गया? हाँ बिल्कुल है, जैसा कि हम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं, उन महापुरुषों का आशीर्वाद लेते हुए इस बार इस कार्यक्रम को और अद्भुत अलौकिक बनाने का प्रयास किया गया है। भारत की दृष्टि भादरा पर पड़े और भादरा की दृष्टि संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो, हम ऐसा महापुरुषों से आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं। गुरुजी आपकी तपस्या और एक तरीके से कह सकते हैं कि भादरा तपस्वियों की भूमि है, और भादरा की बात करें और हमारे धर्म संघ संस्था की बात करें तो एक तरीके से अस्पताल का निर्माण भी किया गया है। उसके अलावा बात करें राजस्थान के एक तरीके से सबसे बड़े शिव मंदिर का भी निर्माण भादरा की इस पावन धरा पर किया गया है। ऐसे में गुरुजी गौशाला भी हमारे धर्म संघ की तरफ से खोली गई है, इनका शुभारंभ कब से होगा? एक तरीके से गौशाला का हो चुका है, कैंसर हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ बना है और राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर भी बनाया गया है। जी, इसका उद्घाटन 8 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में 10 तारीख को शिव प्रतिष्ठा माने शिव पंचायतन हमको सब समाज के लिए दर्शन करने का विषय प्राप्त होगा, और कैंसर हॉस्पिटल आगामी 2023 अक्टूबर मास में उसका हम लोग समय पर सब लोग मिलजुल करके उसका उद्घाटन सम्पन्न करेंगे। गुरुजी अब बात करें, एक तरीके से डिजिटल युग शुरू हो चुका है, आपकी अधिकतर कथाएं हमने सुनी है, आपकी अधिकतर प्रवचन हमने सुने हैं, आपको लगातार क्षेत्र की जनता फॉलो करती है, आपके जो तमाम कथाएं हैं उनको सुनने के लिए आती है। आजकल की युवा पीढ़ी की गुरुजी बात करें तो एक तरीके से अभी तो नशे की तरफ, एक तरीके से डिजिटल युग आने के कारण एक तरीके से युवा पीढ़ी काफी नुकसान में, नशे में, इनके अलावा बहुत सारी एक तरीके से कह सकते हैं कि कुरीतियों में युवा वर्ग आ चुका है। किस तरीके से युवा वर्ग का गुरुजी भला हो सकता है, किस तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि उधार हो उन लोगों का, क्योंकि हमने आपसे बातचीत की थी कोरोना को लेकर और आपने एक सटीक भविष्यवाणी भी की थी कि 2023 अंत तक ये एकदम समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में क्या गुरुजी अब आपका अनुमान करें? चिंता का विषय है कि नव युवक आज शान के स्थान पर नशा से खराब होता चला जा रहा है। हमारे अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के माध्यम से नशा उन्मूलन केंद्र भी पंजाब के अंदर चलाए जा रहे हैं। दूसरी बात, जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो स्वामी कृपात्री फाउंडेशन के माध्यम से जगह जगह पर हम लोग छोटे छोटे विषय संगोष्ठी रखते हैं, उनमें नवयुवकों को बुलाते हैं और उसको नशा से होने वाले लाभ और हानि के विषय में बतलाया करते हैं। लाभ कितना हो सकता है और हानि कितनी हो सकती है उनको अवगत करा करके हम उस चपेट से, नशे की आने वाली चपेट से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में भी जो बढ़ रहा दिन प्रतिदिन कुरीति है, जो हम लोगों के रिवाज खराब होते चले जा रहे हैं, उस नशे को शांत करके हम लोग आन मान शान की प्रतिज्ञा करके हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जैसी परंपरा को बढ़ाने का प्रयास करें, हम स्वामी विवेकानंद बन सकें, हम स्वामी कृपात्री जी महाराज की वंश परंपरा को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इन सब के बीच में संस्कार ही कार्य करेंगे। 44 वर्षों से ये संस्थान संस्कार को देने का कार्य कर रहा है। हम सबसे अपील करते हैं जो भी भारतीय समाज है वो यहाँ पर आए, संस्कारों को जीवन में उतारे और अपने जीवन में आने वाले अंधकार को मिटा सके, प्रकाश की लहर में करके वो भगवान की कृपा को और पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करके नशा से सदा सर्वदा के लिए उन्मुक्त हो सके। गुरुजी कोरोना काल के बाद से एक नाम कॉमन हो चुका है, देर आर ए कॉमन वर्ड, स्ट्रेस। स्ट्रेस हर व्यक्ति में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो मेरी उम्र का युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग में आज स्ट्रेस कॉमन नेम हो गया है। उसको दूर करने के लिए क्या युवा पीढ़ी करे, क्या बुजुर्ग करे, क्या जो लोग तमाम लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं, क्या गुरुजी स्ट्रेस के लिए किया जाए? स्ट्रेस के लिए वस्तुतः मानसिक शांति के अभाव में ये उत्पन्न हुआ करता है। जहाँ पर व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती वहाँ पर क्रोध आता है, क्रोध के करने पर नाश हुआ करता है। तो ये स्ट्रेस क्या है, इसको शांत करने के लिए हमारे आध्यात्मिक उपाय बतलाए गए हैं। जब हम समिधा का प्रयोग करते हैं, उन समिधाओं में जब हम ग्रहों की समिधा का प्रयोग करते हैं और उसकी पावन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से शांति भी मिला करती है। हम लोगों का जो विचारधारा, जो विचार एक धारा में चल रहा होता है, वो विचार भी
शांत हुआ करता है और स्ट्रेस अपने आप कम हुआ करता है। इसमें दो चीजें हैं, मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग की साधना हम लोग करें और हम लोग ग्रहों के द्वारा अर्थात ग्रह की समिधा से हम लोग प्रतिदिन यदि अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं, वो जला रहे हैं, धूप ले रहे हैं, तो मानसिक अशांति शांति के रूप में बदल जाया करती है। गुरु जी, जहाँ सनातन नाम आता है वहाँ नाम आएगा गाय का। गाय का एक आम जीवन में क्या उपयोग है गुरुजी, और क्या उसकी भूमिका है, किस तरीके से उसको पूजा जाता है, और जो अधिकतर लोग भैंसों को पसंद किया जाता है, उनके दूध को पसंद किया जाता है, क्या गाय की भूमिका है गुरुजी? गावो विश्वस्य मातर, गाय विश्व की माता है। कहीं पर भी शास्त्रों में ऐसा नहीं बतलाया कि भैंस विश्व की माता है। गौ माता का जो दुग्ध है वो देवताओं को पुष्ट बनाया करता है और देवता बनाया करता है। हमारे जीवन में आने वाला आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अंधकार की निवृत्ति गौ माता के दुग्धपान से हुआ करती है। इसलिए जहाँ पर देवताओं की बात आती है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति की बात आती है, वहीं पर गौ माता की बात आया करती है। ये गौ माता हमारा प्राण है। गौ माता का मतलब है भारतीय देसी नस्ल। भारतीय देसी नस्ल का मतलब वेद लक्षण गौ माता, जिसको देसी गौ कहा जाता है। जो देसी गौ है वो देवताओं की भी पुष्टि करा करती है और व्यक्तियों का भी कल्याण किया करती है। व्यक्ति ही तो नर ही तो नारायण बना करता है। जिस व्यक्ति को नारायण बनना हो, जिन नरों को नारायण बनना हो, उसको अपनी संस्कृति गौ माता की सेवा शुश्रूषा करके उसका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं। दिलीप जी महाराज ने जो कार्य किया, नंदनी माँ की सेवा करके अपने घर की खुशहाली को बढ़ाया, हम भी देसी गौ माता की सेवा करके देवताओं के आशीर्वाद को, पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक सनातनी को वेद लक्षणा गौ माता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, जिससे घर के बहुत सारे दोष समाप्त हो जाया करते हैं और हम लोग हर प्रकार के संकट से विमुक्त होकर के अपने संकल्प को पूर्ण कर लिया करते हैं। गुरु, एक अंतिम सवाल। समाज में एक तरीके की भ्रांति है और हमारा भी आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है कि अधिकतर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता या और हमें कई लोग ये बताते हैं कि 33 कोटि देवी देवता होते हैं, तो ये इसका किस तरीके के है, 33 करोड़ होते हैं या 33 कोटि होते हैं? यहाँ पर कोटि, कोटि से जो शब्द आया है, कोटि माने प्रकार जी, कोटि माने करोड़, दो शब्द अर्थ वहां बन रहे हैं। तो 33 कोटि यदि हम जोड़ते हैं तो 33 प्रकार के देवता हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं। जब हम करोड़वाचक कर लेते हैं तो भगवान का एक रूप नहीं अनंत रूप है। अनंत रूप होने से 33 करोड़ नहीं और भी हो जाते हैं, लेकिन 33 प्रकार के देवता हैं ऐसा शास्त्रीय संविधान बतला रहा है। तो 33 प्रकार के देवताओं की उपासना करके, कोटि की उपासना करके हम लोग उनका देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कोटि माने प्रकारवाचक यहाँ पर बतलाया गया। आपको तमाम भादरा के 3.5 लाख लोग जो हमारे भादरा लाइव से जुड़े हैं वो आपको देख पा रहे होंगे और तमाम और भी लोग देखेंगे, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? हम एक संदेश देना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति की धरोहर शक्ति यज्ञ नारायण की संस्कृति है। ये होने वाले आगामी 8 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी पर्यंत प्रत्येक जनमानस के अंदर यदि भारतीय संस्कृति की नस्ल है और उसके शरीर के अंदर ये धर्म के प्रति प्राण है, एक बार इस विराट संस्कृति का दर्शन करके अपने अभूतपूर्व पलों को अपनी आंखों में बसा करके इस विलक्षण आनंद के पलों को त्यागे नहीं अपितु अवश्य आकर के दर्शन करें, ये आप सब लोगों से प्रार्थना। हमारे साथ गुरुजी थे और तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि भादरा की इस भूमि पर जो 8 फरवरी से एक शानदार महायज्ञ शुरू होने जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लीजिए। इसी के साथ मैं भादरा से गुलशन सोनी।